वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया जा रहा है। स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है इट, और 5 कंप्लीट वेव है 4 मीटर लेंथ में। समझना, 4 मीटर का जो लेंथ है उसमें 5 कंप्लीट वेव आ जाती है। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, उस जो इक्वेशन निकालना है वेव का। तो ये देखो, अगर एक वेव है इस टाइप से, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, और ये आ गया पांच वेव। इस तरह से 5 कंप्लीट वेव आ गई। ये एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, तो 5 वेव कंप्लीटेड। ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है, एंड दैट इज 5 वेव्स आ गई। हम सबको पता है कि ये जो होती है एक वेव की जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा, वेव लेंथ, बराबर है। तो जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ है, दैट इज 4/5, मतलब 0.8 मीटर, दैट इज द वेव लेंथ। यहाँ से हमें लैम्डा पता चल गया वेव का। अब जब हमें लैम्डा पता चल गया, तो वेव ट्रेवलिंग अराउंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव की स्पीड भी दी हुई है 128 मीटर पर सेकेंड। दो दिया हुआ उसको छापो, जो पहले दिया हुआ उसको छापते हैं। एम्पलीट्यूड ए है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 मीटर। चलो, अब सारी चीज़ें तो पता ही चल गई। अब हमें जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं, तो जनरल इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। लेकिन इन्होंने ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स को पहले लिखा है, तो ये मैं माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाला ही ये इक्वेशन है। अगर कोफिशियंट ऑफ ये एक्स क्या है, निगेटिव है, या देख रहे हो इनके साइन अपोजिट है, यहाँ एक्स निगेटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और टी निगेटिव है, कुल मिला के स्पीड निगेटिव है, तो स्पीड निगेटिव है, तो ये जो वेव है वो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही जा रही है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ये इक्वेशन किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वेव कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं जा रही है। ये देखो, ये स्पीड इसका पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो या तो ए ऑप्शन सही है या तो सी ऑप्शन सही है। ये तो बात हम लोग को क्लियर हो गया बाय द गिवन कंडीशन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। कैसे देखते हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, और इसकी जो फंक्शन है, ये देखो, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कुल मिला के स्पीड निकालोगे तो स्पीड जो है वो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात। अब चलो, अब हमें निकालना है ओमेगा। ओमेगा के सबसे पहले के निकालते हैं, तो के की वैल्यू कितनी है, तो के इज इक्वल टू होता है 2π λ। तो यहाँ से 2π और लेमडा की वैल्यू 0.8 है। अब इन सबको डिवाइड कर लोगे तो यह आ जाएगा 7.85, दैट इज द के, बराबर है। अब ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा निकालोगे तो 2π फ्रीक्वेंसी निकाले हो, नहीं भैया स्पीड है, तो 2π तो फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा होता है, तो स्पीड अपॉन लैम्डा, तो 2π स्पीड कितना है बोलो, 128, और लैम्डा हम पहले से निकाल चुके हैं 0.8, तो जब इसको काट कूट लोगे तो 1005 आ जाएगा, दैट इज द ओमेगा। तो अब ये सारा ले जाके यहाँ पे इसमें रख दो। ओमेगा की देखो, ए की वैल्यू 0.002 है। अब यहाँ ले जाके दोनों रखोगे और ऑप्शन मैच करो, तो हम लोग का सी ऑप्शन मैच कर जाता है, दैट इज सी, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो